अस्सलाम वालेकुम। मैं आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट टू के साथ आया हूँ, जिसमें अगेन देर आर फोर लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो हमने पहले लेवल शुरू की थी, उससे हम थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहे हैं ना। सो देर आर फोर टेस्ट। टेस्ट इज गिवन, रीड टेस्ट वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस फॉर गेटिंग द मेन कंटेस्ट। आइडिया को क्लियर करना है पहला। सेकेंड, नोइंग द मीनिंग ऑफ द वोकैबुलरी, क्योंकि वर्ड्स की मीनिंग भी आ सकती है कंटेस्ट के बुनियाद पर। समरी की कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकती है और टाइटल भी आ सकता है। सो टुडेज फोर रीडिंग्स इज कम्पेयर टू फॉर्मर फोर रीडिंग्स इज हाउ फॉर ग्रेटर सम हाउ डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट। एंड दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स विल इन्हांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड गिव द कॉन्फिडेंस टू नो how to attain the reading comprehension. So let's move towards the reading comprehension. Oh, this is the first one, the Rio Grande. ये paragraph है, इसको आप देखें, इसको पढ़ें, once, twice, thrice, but you must take not more than 10 minutes in its reading. उसके बाद आपको होना है सवाल पर। फोर क्वेश्चंस आर देयर, रीड फोर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पढ़ें और देखें कि हाउ आर इट शुड बी द आंसर टू टेक मार्क। एक सेकंड, ये रीडिंग है। This is about the machines. इसमें बिल्कुल पैराग्राफ को अलग कर दिया है मैंने, फॉर द सेक ऑफ रीजनेस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन द समरी टाइप ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। इंटरप्रेट के लिहाज से एक अप्रोच इस्तेमाल होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो जहाँ पर इस्तेमाल हुई है को पढ़ें, उसके फिर आप जवाब आते हैं इस लिहाज से। देर आर सिक्स क्वेश्चन, पॉज इट, सी द क्वेश्चन एंड टिक मार्क। Then there is a third reading, Tours of Persuasion. Well, this is somehow based on absolutely but higher grade. Ethos, pathos, logos के बारे में बताया गया है कि उनका क्या काम होता है, और इन्हीं के बुनियाद पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। Apparently it seems very easy, but while going through it to understand ethos, pathos, logos, develop your understanding as well. ये वर्ड्स आपकी ये वोकैबुलरी आपकी आपसे एग्जाम में भी आसानी से पूछ सकते हैं आप लोगों से। देन देयर इज अ टेस्ट फॉर दैट। ये टेस्ट उसके लिहाज से इसको देखें, पढ़ें, समझें। इज कम्पेयर टू फार्मर फोर एंड दिस टू अदर्स, दिस वन इज समहाउ टिपिकल वन टू अंडरस्टैंड। टेस्ट टाइम बट विल हेल्प यू लॉट इन गेटिंग गुड स्कोर फॉर योर एग्जाम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, समर रेन। इसके बारे में पूरा पैराग्राफ है। इस तरह की बहुत सारी आपके such kind of you know reading comprehensions are expected right in the final exam, might be of PST or JST or you can say STHP or NTHP. is tarah se ye sir ke aa sakti hain, isko dekhein, isko samjhein aur fir aap jaye questions par. Questions here are five. So there is a variety of the questions. Sometimes you will find four questions or five or six, not more than that. All these are there to help you to enhance your learning. Once you do all these questions, guys, upload the result on the same, you know, link where from you are watching this videos. Thus, your learning will help others how they have attempted. Thank you and have a nice time.